वाला है। देखा कितना अच्छा मैंने बनाया है, और आपको भी वैसे देखने में फन वाला लग रहा होगा। और आपको ये ज़्यादा भी मुश्किल लग रहा हो तो मेरे चैनल पे जाकर, अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना करा हो तो जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दोबारा ना भूलना, और ना आप में बेल आइकन बटन को ज़रूर दोबारा, क्योंकि हमारी जो आप आने जाने वीडियोस हैं वो आपकी तरफ पहुंच जाए। तो आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए है पिंक पेपर, 5 पिंक पेपर। आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 कलर के पेपर ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिए है पिंक और पर्पल, ये मैंने 5 कट की हैं, और फाइव मैं पिंक स्टिप कट की है और 5 मैंने पर्पल स्टिप कट की है। और इसके अलावा हमें चाहिए है सीजर और गम। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपको ये आप इन दोनों स्टिप में से आप कोई भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ लूँगी पर्पल और पिंक। हम कॉर्नर पे कम लगाएंगे पर्पल पे, और हम पिंक को उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। पहले हम पर्पल पे पर्पल स्टिप पे यह मैं गम लगाऊंगी, और पिंक स्टिप को यूँ गम लिप पे पेस्ट कर दूंगी। पहले हम पर्पल स्टिप पे गम ये हमने गम लगा ली है। ये मैंने पर्पल स्टिप पे यहाँ गम लगा ली है, और अब मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं पर्पल स्टिप को उठाऊंगी और यूँ फोल्ड कर दूंगी, प्रेस कर दूंगी, और अब मैं पिंक स्टिप को उठाऊंगी, यूँ प्रेस कर दूंगी, फिर से पर्पल स्टिप को उठाऊंगी और यूँ पहले जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे फोल्ड कर देंगे। अब हम पिंक स्टिप को उठाएंगे और यूँ फोल्ड कर देंगे। ये हमने पिंक स्टिप को फोल्ड कर दिया है। अब हम पर्पल स्टिप फिर से प्रेस कर देंगे। अब हम पिंक स्टिप उठाएंगे और फिर यूँ प्रेस कर लेंगे। अब हम पर्पल स्टिप को फिर से उठाएंगे और यूँ प्रेस कर लेंगे। अब हम पिंक स्टिप को फिर से उठाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारी पर्पल और पिंक स्टिप ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ हम पिंक और पर्पल स्टिप फिर से लेंगे, और यहाँ गम लगा कर फिर से उन स्टिप्स को पेस्ट कर देंगे। पहले हम पिंक पे गम लगा लेंगे। यहाँ जब तक हमारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो अब हम ये हमने पिंक पे गम लगाई और मैंने पिंक को फिर से ही पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए मैंने फिर से ही इन्हें पेस्ट कर लिया है। अब मैं फिर से ही इन्हें ट्विस्ट करती जाऊँगी। पहले हम यहाँ पिंक को करेंगे, पर्पल को करेंगे, ये हमने पर्पल को कर लिया है। अब हम पिंक को करेंगे, ये हमने ऐसे ही हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और अगली राउंड देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक पिंक स्टेप बची है, एक पर्पल स्टेप बची है। तो इनको भी हम इन पे गम लगाकर इन्हें भी मुकम्मल कर लेंगे। पहले हम इन्हें गम लगाकर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने यहाँ गम लगा रहे हैं पिंक। ये देखिए हमने ये पर्पल और पिंक स्टिप पेस्ट कर ली है। अब हम इन्हें ट्विस्ट करते जाएंगे। अब हम पहले हम करेंगे उसके बाद पिंक करेंगे, उसके बाद पर्पल करेंगे, उसके बाद पिंक करेंगे। लास्ट पर मेरे ये 2 कॉर्नर रह गए हैं। अब मैं पिंक के ऊपर गम लगाऊंगी।
हमने लगा ली है। अब हम पर्पल को पेस्ट कर देंगे। अब हम पर्पल के ऊपर गम लगाएंगे। और पिंक को पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो पिंक किनारा बचा है थोड़ा सा, इसको हम सीजर से बराबर कट कर देंगे। ये देखिए फोल्डिंग हमारी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं दोनों कॉर्नर लूंगी और यहाँ अब मैं दोनों कॉर्नर लूंगी और उनको यहाँ पर गम लगाकर पेस्ट कर दूंगी। पहले हम पिंक पे पेस्ट गम लगाएंगे और पर्पल का पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने ये पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको इससे फन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है मुझे। देखा कितना ज्यादा इसे बनाना इजी था। तो आपको ये आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे तो आप मेरे अम्यूजमेंट शॉप को जाके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलना। बाय बाय।